हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ मैथ्स व्हिच इज़ हाउ हैवी हाउ लाइट मतलब कितना भारी और कितना हल्का थोड़ा वेट्स के बारे में डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा फर्स्ट वीडियो है तो इस वीडियो में मैं आपको एन एक्सप्लेनेशन होगी हमारे चैप्टर की और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ उसके बाद जो बाकी वीडियोस आएंगी आपकी उसमें हम वर्कशीट करेंगे ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में इस इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे केवी की वर्कशीट और एनसीईआरटी की जो खुद की वर्कशीट्स हैं और उसके बाद आपकी क्विज़ की वीडियो आएगी ओके तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो वीडियोज आपकी नेक्स्ट टाइम आएगी आप उनको मिस ना करें ओके लेट्स बिगिन नाउ चैप्टर ट्वेल्व हाउ हैवी हाउ लाइट जाजू एंड मनु वर शिफ्टिंग हाउस और अपने घर शिफ्ट कर रहे हैं दे लोडेड cart। उन्होंने हॉर्स कार्ट के ऊपर जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके ऊपर अपना सारा सामान लोड कर लिया है रख लिया है There were many थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक फाइव सैक्स ऑफ wheat, थ्री टेबल्स एंड almira, फोर चेयर्स टू mattresses, थ्री सैक्स ऑफ राइस अ bamboo लैडर पॉट्स एंड पैंस बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने रखी उसके ऊपर जैसे कि पानी का एक टैंक है पांच सैक बोरी यानी कि गेहूं है तीन टेबल्स है एक अल्मीरा है चार चेयर है दो मेट्रेसेस है बिछाने वाली तीन बोरी राइस की है चावल की है एक बैंबू की लाडर है लकड़ी की एक लाडर सीढ़ी है कुछ पॉट्स हैं बर्तन हैं पैंस हैं ओके वेन दे वर रेडी टू मूव जब चलने के लिए वो तैयार हुए द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट बहुत ज़्यादा ही वेट हो गया तो हॉर्स ने चलने से मना कर दिया देखिए साड़ भी है बहुत बहुत वेट इसको लग रहा होगा दे वनडर्ड बाय अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है चल क्यों नहीं रहा देअर फादर सेट दैट देयर हॉर्स वॉज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर देन सेवन हंड्रेड के जी तो उनके फादर बताते हैं कि जो हॉर्स है ये ठीक नहीं है वेल नहीं है इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और ये सात सौ के जी से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता सेवन हंड्रेड के जीज ओह बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड दे आस्ट तो वो पूछते हैं अच्छा हो तो ठीक है पर फिर जो हमने चीज़ें रखी है ये कितनी भारी है ये बता दो ताकि हम हिसाब से चीजें रिमूव कर सके फादर गिव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग्स फादर ने कुछ आइडिया दिया कि जिससे कि हर एक चीज़ लगभग कितने की होगी एग्जैक्टली वेट तो नहीं किया फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट अब देखिए ये यहाँ पर आपको वेट्स दिए हुए हैं वीट की जो एक बोरी है हंड्रेड के जी की है राइस की बोरी थर्टी फाइव के जी की है वाटर टैंक फिफ्टी के जी का अलमीरा सेवेंटी की है टेबल टेन की है चेयर मेट्रोसिस लैडर एंड पॉट्स एंड पैंस हंड्रेड टेन के जी के हैं चलिए अब टोटल करते हैं देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर ऐसे करेंगे सबसे पहले थिंग्स लोडेड एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको या आप अपनी कॉपी में ही कर सकते हैं बुक में तो इतनी जगह है नहीं चीज़ें क्या क्या लोड की गई वेट कितना था कितनी है जैसे मैं कहूँ सैक ऑफ वीट जो थी गेहूं की बोरियाँ एक का वेट हंड्रेड के है कितनी बोरी थी फाइव तो फाइव का वेट कितना होगा या आप जानते हैं एक का दिया हुआ है ज्यादा का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एक का हंड्रेड है तो फाइव का फाइव हंड्रेड के जी हो जाएगा उसके बाद उसमें राइस की बोरी थी एक राइस की बोरी का वेट थर्टी फाइव के जी है तीन का कितना होगा मल्टीप्लाई किया हंड्रेड एंड फाइव वाटर टैंक फिफ्टी के जी का था एक ही वाटर टैंक है तो फिफ्टी के जी ही हो गया अलमीरा सेवेंटी की थी एक ही है सेवेंटी हुआ टेबल दस के जी की है और तीन टेबल्स हैं तो थर्टी के जी की हो गई चेयर फाइव के जी की थी फोर चेयर्स थी तो फोर फाइव आर ट्वेंटी हो गई मेट्रेसेज ट्वेंटी की थी इंटू टू करेंगे क्योंकि दो मेट्रेसेस थी तो फोर्टी के जी की हो गई बैम्बू लैडर दस के जी की थी एक ही है तो टेन के जी पॉट्स एंड पैनस टोटल बर्तन दस के जी के थे तो टेन के जीज यहाँ पर हो गया ओके तो ये उन सब का वेट है चीज़ों का अब इनको ऐड करिए फाइव हंड्रेड प्लस हंड्रेड एंड फाइव प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल वेट ऑफ ऑल द थिंग्स 500 हंड्रेड प्लस हंड्रेड एंड फाइव फिफ्टी सबको एक एक करके ऐड करेंगे यहाँ पर और उसके बाद ऐड करने के बाद आप देखेंगे देखिए 500 हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एंड फाइव प्लस फिफ्टी सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फाइव प्लस सेवेंटी प्लस थर्टी सेवन हंड्रेड एंड 10 10 ऐसे ऐड करके आपका एट हंड्रेड आएगा ओके ये आपका फाइनल आंसर है नीचे लिखा हुआ है ठीक है तो ये इसका आंसर होगा अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका टोटल वेट दिस इज एट हंड्रेड एंड थर्टी फाइव नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट अब वो सोचते हैं हम कुछ चीज़ें कार्ट से उतार देते हैं विच थिंग शुड बी रिमूव सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज़ नॉट मोर देन सेवन हंड्रेड के जीज कितनी चीज़ें रिमूव करें कि वेट सेवन हंड्रेड के जी से ज़्यादा ना हो तो देखिए एट थर्टी फाइव एक सेकेंड एट थर्टी फाइव के जी हो रहा है सेवन हंड्रेड करना है तो कितना ज़्यादा है माइनस करके देखिए वन हंड्रेड थर्टी फाइव के जीज ज़्यादा है आपके जो आपका सॉरी वो है उसमें उसके ऊपर कार्ट के ऊपर तो दो चीजें रिमूव करनी है जिनका वेट 135 थर्टी फाइव के जी हो तो एक काम करिए एक वीट की बोरी उतार दीजिए एक राइस की बोरी उतार दीजिए सो so, -E वन सैक ऑफ वीट एंड डब्ल्यू एच ई ए टी वीट एंड राइस हो जाएगा ना 135 थर्टी फाइव के जी इसका देखिए एक बोरी इसकी उतार दी हंड्रेड की थर्टी फाइव की तो वन थर्टी फाइव तो चला गया टोटल सेवन हंड्रेड हो गया समझ गए ये क्वेश्चन आप कैसे करना है चलिए आगे आते हैं द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी जो हैवी जो चीज़ें कार्ट पर लोड की गई थी तो बहुत बड़ी थी साइज़ में और बहुत हैवी भी थी टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड बिग बैलेंस ऐसी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें बड़े बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है ये बैलेंस आपने देखा होगा जब कोई भारी चीज़ें तोड़नी होती है सपोज़ करिए एक आपको बोरी तोलनी है या फिर जैसे यहाँ पर ये मेट्रोसिज रखी है इनको मेजर करना है कि कितना वेट है इनका तो नॉर्मल जो आपका ऐसा वेट होता है ऐसा बैलेंस होता है उसके ऐसी जो तो तराजू होती है उसके ऊपर आप नहीं तोल सकते इसके लिए बिग बैलेंस की जरूरत पड़ती है बट जाइजू एंड मन्नू वॉन्ट टू मेक देयर ओन बैलेंस लेकिन वो खुद का बैलेंस बनाना चाह रहे थे तराजू दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स अ स्टिक टू लिड्स एंड अ थिक थ्रेड उन्होंने एक स्टिक ली एक डंडी ली दो लिड्स इस तरीके की ली फ्लैट ढक्कन जैसा और लिड uh, मतलब ऐसे ढक्का नहीं होता है और एक uh, मोटा सा धागा लिया दे मेड दिस बैलेंस और उन्होंने फिर ये बैलेंस बनाई देखिए ये वाली नाउ यू ऑल्सो मेक योर ऑन बैलेंस आपको आपके खुद की बैलेंस बनानी है पिक्चर भी ड्रॉ करनी है तो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ एक्टिविटी देखिए क्या है मन्नू एंड जायू पुट अ पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स इन द टू पैंस ऑफ द बैलेंस पिच पैन विल गो डाउन वाई ड्रॉ पिक्चर मन्नू और उसने एक ज्योमेट्री uh, बॉक्स रखा एक पेंसिल रखी और एक ज्योमेट्री बॉक्स रखा अब आप ये बताइए कि कौन सा पैन नीचे जाएगा आप जानते हैं जो हैवी पैन होता है वो नीचे जाता है जो लाइटर पैन होता है वो ऊपर रहता है तो यानी कि हैवी कौन है इनमें से ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल में से ज्योमेट्री बॉक्स हैवी है तो कहने का मतलब है जो उनकी तराजू है मेरी ड्रॉइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको वो कर करें ये तराजू है मान लीजिए ये नीचे वाली है तो ज्योमेट्री बॉक्स यहां बनाएंगे आप इधर जो नीचे वाली है क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है हेवियर होता है थोड़ा सा तो इधर ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है ज्योमेट्री बॉक्स और इधर पेंसिल बना दीजिए पेंसिल बॉक्स वाला वो ऊपर होगा रीजन क्या है बिकॉज ड्रॉ पिक्चर वाई वाई का रीजन हो जाएगा कि बिकॉज ज्योमेट्री बॉक्स इज हैवियर इज हैवियर वो भारी है देन पेंसिल पेंसिल से समझ गए आप जो चीज हैवी होती है वो नीचे जाती है हमेशा तो ये पिक्चर ड्रॉ हो गई कौन सा पेन डाउन जाएगा जिसमें कि ज्योमेट्री बॉक्स है मेक अ पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज़ द बैलेंस टू डिसाइड विच इज हेवियर चीज़ों के पेयर बनाइए और बताइए कि कौन उनमें से हैवियर है वॉट इज मेक अ ग्रुप ऑफ थ्री थिंग्स तीन चीज़ों का एक ग्रुप बनाइए जैसे कि इरेजर बॉल एंड पेपर यूज़ द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट उसके बाद बैलेंस यूज करिए अपना और देखिए कि आ, कौन किसका वेट ज्यादा है और उसके बाद लाइटर लाइटेस्ट कौन किसका वेट सबसे कम है किसका वेट बीच में है किसका वेट सबसे हैवी है और ये टेबल आपको फिल करनी है तो ये ऊपर वाले की तरह ही है यहाँ पर दो आइटम्स आपको लेने हैं कंपेयर करने के लिए वहाँ पर तीन लेने हैं दो आइटम्स आपको जिन्हें आप घर के ले सकते हो जैसे पेन ले लीजिए बुक ले लीजिए आप जानते हैं बुक वाला जो पलडा होगा वो डाउन होगा पेन वाला ऊपर होगा चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ सेकेंड आप ले सकते हैं ग्लास ले सकते हैं घर से और स्पून ले सकते हैं चम्मच ले सकते हैं स्पून का जो पलडा होगा वो ऊपर होगा ग्लास वाला नीचे होगा क्योंकि ग्लास हैवियर होता है उसके बाद आप घर से टूथपेस्ट ले सकते हैं और टूथब्रश टूथ ब्रश ले सकते हैं तो आप जानते हैं ब्रश टूथ ब्रश वाला जो पलडा है वो नीचे होगा और टूथपेस्ट सॉरी टूथपेस्ट वाला नीचे होगा टूथब्रश वाला ऊपर होगा क्योंकि ब्रश हल्का होता है पेस्ट के जो आपका पैक है उससे उसके बाद आप अपना सॉक्स ले सकते हैं शूज ले सकते हैं है ना शूज एंड सॉक्स तो सॉक्स डेफिनेटली लाइटर होंगे तो वो ऊपर रहेंगे शूज हेवियर होंगे तो वो नीचे रहेंगे ऐसी कुछ चीजें आप घर ले के लेके टेबल बना सकते हैं अगर आपकी टीचर कहती है कंप्लीट करने को यहाँ पर आपको तीन चीजें लेनी है तो आप पेपर इरेजर बॉल इन्होंने एक दिया हुआ है अगर आपको टेबल फिल करनी है आप ले लीजिए ऑरेंज सबसे लाइटर था कोकोनट कोकोनट एंड पंप किन सबसे हैवी है कोकोनट बीच में पंप और सबसे लाइटर है एक ऑरेंज उसके बाद आप पेन नोटबुक और डिक्शनरी ले लीजिए डिक्शनरी थोड़ी मोटी होती है तो डिक्शनरी सबसे हैवी होगी डिक्शनरी और क्योंकि बुक आपकी इन बिटवीन होगी नोटबुक कॉपी आपकी और पेन सबसे लाइटेस्ट होगा लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का उसके बाद आप ग्लास जग और बकेट ले लीजिए ग्लास सबसे हल्का होगा जग बीच में होगा और बकेट सबसे भारी होगी बकेट नेक्स्ट आप हैंकी स्फ और शॉल ले लीजिए हैंकर चीफ जो है आपका हैंकी वो सबसे लाइट होगा स्कार्फ थोड़ा ज़्यादा भारी होगा क्योंकि ज़्यादा वेट का होता है शॉल सबसे ज़्यादा भारी होगा ठीक है ना तो ये कुछ चीज़ें लेके आप इस टेबल को कम्प्लीट कर लेंगे कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस क्या आप अपना खुद का वेट इससे निकाल सकते हैं नहीं क्योंकि इससे आप लाइटर चीज़ें ही मेजर <coughs> uh, कर सकते हैं जो आपकी खुद की बनाई हुई बैलेंस है देखिए ये आपको टाइप ऑफ बैलेंस भी दी हुई है कुछ अलग अलग टाइप का बैलेंस होता है ना ये क्वेश्चन आई थिंक एक आपके पी टू में भी आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक ऐसी बैलेंस होती है जो कि शॉप्स पर यूज होती है ये बैलेंस होते है जो कि वेइंग मशीन होती है जो कि वेट करने के लिए आपका यूज होता है है ना ये बैलेंस होते हैं जैसे आप मेजर करते हैं देखिए ये वेट के लिए हो रही है ये नॉर्मल बैलेंस होती है आपकी जो कि शॉपकीपर से फिर कुछ जो सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं वो रखते हैं डू दिस एक्टिविटी इन पेयर मेकिंग वेट्स पेयर में आपको ये एक्टिविटी करनी है आपको बैलेंस चाहिए कुछ वेट्स चाहिए केक ऑफ सोप एक साबुन का एक आ, केक चाहिए टिक्की चाहिए प्लास्टिक के कुछ पैकेट चाहिए सांड चाहिए रबर बैंड चाहिए यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन आप घर में किसी बड़े आदमी की हेल्प भी ले सकते हैं गेट अ न्यू केक ऑफ सोप एक नया केक ऑफ सोप लाइए जो आप लेके आते हैं नया सोप साबुन उसके ऊपर उसका वेट लिखा रहता है रिटर्न ऑन इट कि फाइव हंड्रेड ग्राम्स का है या फिर टू हंड्रेड ग्राम्स का हंड्रेड ग्राम्स का है जितना भी का भी है यू कैन यूज़ दिस सोप टू मेक योर ओन वेट्स सोप का वेट कितना है वो लिखिए मान लीजिए सोप का वेट आपका हंड्रेड ग्राम्स है एक छोटा प्लास्टिक का पैकेट लीजिए उसमें सैंड डालिए ये तो ईजी है दिस यू हैव टू डू योर इधर साबुन का टिक्की रखिए इधर उसमें सैंड डालते जाइए जब तक दोनों पैंस बराबर ना हो जाए बराबर होते ही ये जो है आपका इसको रबर से बांध दीजिए उसके बाद ये आपका 100 के का एक वेट हो गया ऐसे ही दूसरा लाइए उसमें ज्यादा वेट करिए एंड ऑल इस तरीके से आप बहुत सारे अपने वेट्स बना सकते हैं तो ये एक्टिविटी आप खुद कर लेंगे अब प्रैक्टिस टाइम पर आते हैं हम सीधा विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन किस कौन सा पैन जो है बैलेंस का वो नीचे जाएगा यह आपको यहाँ पर बताना है शो बाई ड्रॉइंग एंड एरो एरो करके आपको बताना है आप जानते हैं जिसमें वेट ज़्यादा होता है वही वाला जो पैन होगा वो नीचे जाएगा जैसे कि अगर मैं फर्स्ट जो एक्जाम्पल दिया हुआ इसमें बात करूँ यहाँ पर फोर्टी ग्राम्स एंड ट्वेंटी फाइव ग्राम्स है फोर्टी एंड ट्वेंटी फाइव को आप ऐड करेंगे तो सिक्सटी फाइव ग्राम्स आएगा इधर है 40 एंड 35 40 एंड 35 को ऐड करेंगे तो 75 फाइव ग्राम्स आएगा तो 75 ज्यादा होता है 65 से तो ये वाला पैन नीचे जाएगा समझ गए आप कैसे करना है चलिए अब सेकंड वाले पर आते हैं यहाँ पर ये वाले पैन में आपका 75 फाइव सेवेंटी फाइव है सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव को ऐड करिए ये हो जाएगा 150 फिफ्टी यहाँ थर्टी फाइव एंड वन है वन एंड थर्टी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 175 कौन सा ज्यादा है 175 140 से डेफिनेटली ज्यादा होता है तो यहां पर ये वाला पैन नीचे जाएगा यहाँ पर आप एक एरो लगा दीजिए अपनी बुक में ओके okay? ये काम आपको ऐड करने का काम रफ में करना है सिर्फ एरो लगाना है फाइनल और क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज हंड्रेड एंड एंड टू इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो थ्री हंड्रेड एंड फाइव होगा इधर ऐड करेंगे तो ये आपका थ्री फोर हंड्रेड होगा वन फिफ्टी एंड टू फिफ्टी तो डेफिनेटली ये नीचे जाएगा यहाँ पे आरो लगा दीजिए सेवन हंड्रेड टू फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव टू फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव एक सेकेंड तीनों को ऐड करेंगे वेट अस सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव एंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव फाइव प्लस फाइव इज टेन जीरो वन कैरी फाइव प्लस फाइव इज टेन जीरो वन कैरी सेवन एट नाइन टेन वन थाउजेंड ग्राम्स हो गया यानी कि वन के हो गया ये सिक्स हंड्रेड टू फोर्टी फाइव ये हो जाएगा एट हंड्रेड फिफ्टी फोर तो वन थाउजेंड ऑब्वियसली ज़्यादा होता है यानी कि ये वाला पेन नीचे जाएगा इधर आप एरो लगा देंगे आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नाइन्टी सिक्स एंड ट्वेंटी तो ये हो जाएगा आपका टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन और यहाँ पर है वन नाइन्टी सेवन तो टू हंड्रेड ज़्यादा है ये वाला पेन नीचे जाएगा नेक्स्ट है थर्टी सिक्स एंड सेवेंटी फाइव और ये है वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री और ये हो जाएगा इलेवन हंड्रेड एंड इलेवन तो डेफिनेटली ये वाला नीचे जाएगा क्वेश्चन है इज द वेट ऑफ एनी ऑफ द पैंस इक्वल्स टू वन के जी मार्क इसका जो वेट था इसका वेट वन के जी था इसको मार्क करके यहाँ पर वन के जी लिख दीजिए ऐसे करके एरो वन के जी ये जो पूरा वेट है हमने किया था ना वन थाउजेंड ग्राम्स आया आप जानते हैं वन थाउजेंड ग्राम्स में uh, वन के जी होते हैं हाउ मेनी ग्राम्स आर देर इन वन के जी आंसर विल बी वन थाउजेंड ग्राम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पर अब काफी सारे क्वेश्चन भी आपसे आगे पूछे जाएंगे ओके नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम्स एंड किलोग्राम्स विच आर यूजली विच यू यूजली बाय इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स पांच चीजों के नाम लिखे जो आप खरीदने जाते हैं तो ग्राम्स में लेके आते हैं जैसे कि अगर मैं कहूं हल्दी टर्मरिक अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप मार्केट जाते हैं तो एक बोरा भर के पूरा सैक ऑफ टर्मरिक ले आते हैं वो थोड़ी सी टर्मरिक लाते हैं हंड्रेड ग्राम्स टू हंड्रेड ग्राम्स है ना तो टर्मरिक लिख सकते हैं केजी में आप टमाटोज लेते हैं दो किलो टमाटर या फिर तीन किलो टमाटर उसके बाद आप मस्टर्ड सीड जो है वो ग्राम्स में लाते हैं मस्टर्ड सीड एस डबल -E ये थोड़ा सा आप लिख लेना अंदर ही आ जाए ताकि ये ज्यादा ना जाए शुगर आप के में लाते हैं तीन किलो शुगर आप सौ ग्राम शुगर तो चीनी तो लेने आप मार्केट नहीं जाएंगे उसके बाद चिली पाउडर मिर्च की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती ये आप ग्राम्स में लाते हैं कार्डेमम आप ग्राम्स में लाते हैं उसके बाद क्लोव्स आप ग्राम ग्राम्स में लाते हैं जो मसाले की चीज़ें हैं क्योंकि कम ज़रूरत होती है सब्ज़ी में बहुत थोड़ा सा डलता है चुटकी भर इसलिए वो हम लोग ग्राम्स में लाते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं और वैसी जो चीज़ें जैसे वीट आप के में लाते हैं दस किलो गेहूँ सौ किलो गेहूँ है ना बनानाज तो आप लाते हैं डजन्स में उसके बाद राइस आप के में लाते हैं पल्सिस दालें आप के में लाते हैं ओके okay, तो ये कुछ चीज़ें आप किलोग्राम्स में लाते हैं ग्राम्स मिलाते हैं और ये वीडियो अभी मैं एंड कर रही हूँ रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डू इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो क्योंकि फिफ्टीन मिनट्स की वीडियो हो चुकी है बहुत लेंदी नहीं करते हैं इसको बाकी जो टॉपिक्स रह गए वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सेकेंड पार्ट आने का वेट करिएगा